नमस्कार, आप देख रहे हैं सर ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। नवरात्र का आज तीसरा दिन यानी कि तृतीया है। चंद्र घंटा की पूजा कैसे की जाती है, इस तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाते हैं। हमारे बीच है पंडित वंशवर्धन शर्मा जी, से तमाम विषयों पर चर्चा चलाते हैं। बाबा प्रणाम। यशस्वी भव, जय माता दी। बाबा, तृतीया चंद्र घंटा क्या? आहा, प्रश्न बड़ा अच्छा किया आपने, तो पहले ही मुक्त कर दिया है। आज नवरात्र में भगवती की आराधना का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भगवती चंद्र घंटा की उपासना की जाती है। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए चंद्र घंटा क्यों है और चंद्र घंटा हैं क्या। चंद्र घंटा, इनके माथे पर बिंदिया है और इनके माथे पर अर्धचंद्र है जो घंटा के समान है। इस कारण से इनको चंद्र घंटा की संज्ञा दी गई है। भगवती चंद्र घंटा की उपासना करके हम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाते हैं। एक और विशेष बात, भगवती चंद्र घंटा भक्तों के तमाम कष्टों को दूर करने के लिए नवग्रह के सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी चंद्र घंटा हैं। जिन भक्तों को अपने कष्टों में सूर्य की परेशानी हो, जिनके कुंडली में सूर्य कमजोर पड़ गया हो, जिनके कुंडली में सूर्य के कारण अनेक बाधाएं होती हों, जिनका मस्तिष्क कमजोर हो गया हो, जिनकी सोचने की क्षमता कम हो गई हो, जिनका स्मरण शक्ति कमजोर हो गया हो, ऐसे लोग भगवती चंद्र घंटा की उपासना करके बड़े प्रेम से भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, भगवती चंद्र घंटा, इनके एक हाथ अभय मुद्रा में हैं, छह भुजी देवी कही जाती हैं ये। एक हाथ अभय के मुद्रा में है, एक हाथ वरदान के मुद्रा में है और इनका एक हाथ अपने हृदय पर है। ये भक्तों को हृदय से आशीर्वाद देती हैं और भक्तों के सभी कष्टों को हृदय से दूर करने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि इनके एक हस्त अपने हृदय पर हैं। इनकी कामना करके, इनकी इच्छा करके और बड़े सामान्य भाव से, केवल हृदय से यदि हाथ जोड़ करके इनका ध्यान कर लिया जाए तो भगवती चंद्र घंटा बड़े आराम से भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करती हैं। और जो चंद्र घंटा के शरण में चला जाता है, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो या हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवती चंद्र घंटा की आराधना बड़े हृदय से, सात्विक मन से, शांत भाव से करने का है। ये शांत स्वभाव की देवी हैं और बड़े प्रेमवश अपने पुत्रवत भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और प्रसन्न होकर के हृदय से भक्तों को लगाती हैं, भक्तों को मधुर पान कराती हैं। भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने में भगवती चंद्र घंटा अत्यंत शुभ फलदायी हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए सभी भक्तजनों से निवेदन है कि भगवती चंद्र घंटा की आराधना बड़े प्रेम पूर्वक, शांत भाव से जितना समय मिल सकता हो उतने ही समय में करें। आवश्यक नहीं है कि भगवती चंद्र घंटा की आराधना में आप पूरा दिन भर लगा दें। भगवती ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि दिन भर का समय लगाएं। भगवती की पूजा करनी है तो हृदय से जितना समय आपके पास होता हो उतने समय आप भगवती का हो जाएं, भगवती आपकी हो जाएंगी। जय माता दी, जय सनातन।